बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो मैं उम्मीद करता हूँ सब मुझे देखने वाले मेरे चाहने वाले खैर वाफियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो हमारी एल्युमिनियम की विंडो होती है उसका जो फ्रेम होता है आउटर जिसको हम बोलते हैं उसमें हम जो है ना वो पानी वाले सुराख किस तरह से करते हैं और कौन सी डाई पे करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक और बात बताऊँ कि जो हम अपने एल्युमिनियम के फ्रेम में आउटर में जो पानी वाले सुराख करते हैं ये क्यों करते हैं, इनका बेसिकली क्या मकसद है। तो इसका जो मेन जो पॉइंट है ना, मेन मकसद इसका ये है कि जब बारिश होती है तो जो हमारी एल्युमिनियम की विंडो होती है ना तो उसके जो नीचे कॉर्नर वगैरह बने होते हैं उसकी वजह से ना एल्युमिनियम की जो विंडो है ना उसके नीचे जो है ना वो पानी जमा हो जाता है, जो हमारा DC 26C है। तो इसलिए जो ना वो पानी निकालने के लिए हम ना पानी वाले सुराख करते हैं ताकि बारिश वगैरह हो तो पानी जो है ना वो ईजिली जो ना वो हमारे आउटर से फ्रेम से बाहर निकल जाए। तो ये इसका मेन मकसद है। वैसे भी इसका एक और फ़ायदा ये भी, अगर आप चाहते हैं कि यार हम अपनी विंडो को जो ना वो साफ़ करना चाहते हैं, आप उसको वॉश भी कर सकते हैं पानी के साथ। जो ना आप सारी विंडो को जो ना वो वॉश कर सकते हैं और आपका जो पानी है ना इजीली जो हम होल करेंगे पानी वाले जो हम सुराख करते हैं वहाँ से जो ना आपका पानी बाहर आ जाएगा। तो ये इसका मेन मकसद है। तो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को स्किप नहीं करना, साथ जुड़िए रहेगा। और अगर कोई भाई चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे अब्बास बिन हाशिम। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये हमारा DC 26C है जो एल्युमिनियम के फ्रेम के जो नीचे वाली साइड पे इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर ये कॉलर वगैरह बने होते हैं, जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ, ये जिसमें कॉलर बने होते हैं। तो इसको इस साइड पे जो है ना वो हम पानी वाले सुराख करते हैं, इसकी पैमाइश कर लेते हैं। जितनी पैमाइश है, अगर बड़ी आपकी विंडो है तो वहाँ पे हम दो होल कर लेंगे, अगर छोटी विंडो है तो वहाँ पे हम एक होल करते हैं। तो इसकी अभी हम पैमाइश करके इसके ऊपर मैं निशान लगाता हूँ और निशान लगा के आपको मैं बताता हूँ। ये हमारी डाई है जिसके ऊपर जो है ना वो एल्युमिनियम की जो फ्रेम वाला सेक्शन होता है उसके ऊपर जो पानी वाले सुराख लगाते हैं वो इसकी मदद से लगाते हैं। और ये हमारी डाई है और साथ जो है ना वो इसको ऑयल भी लगाते हैं ताकि जो इसका ये जो कट करने वाला है ये लॉन्ग टाइम तक जो है ना वो चल सके। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको साथ साथ दिखाता हूँ किस तरह से इसके अंदर जो है ना वो पानी वाले सुराख करते हैं। Thank you.
ये सारे सुराख वगैरह मैंने अपने कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरीके के साथ जो ना ये सारे मैंने सुराख किए हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखा रहा था, ये हमारे पानी वाले सुराख हैं जो हम एल्युमिनियम के फ्रेम में नीचे वाली साइड पे लगा करते हैं, क्योंकि बारिश का पानी वहाँ से जो ना ईजिली बाहर आ सके, और वैसे भी अगर आपने अपनी विंडो को वॉश करना हो तो जो ना वो पानी आपका ईजिली बाहर आ सके। ये थी मेरी आज की वीडियो दोस्तों। अगर वीडियो मेरी कहीं से आपको अच्छी लगी हो, मेरा काम करना आपको पसंद आया हो, तो मेरे चैनल अब्बास बिन हाशिम को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।